इज ऑन। गियर शिफ्टर इसका कुछ ऐसा दिखता है BMW ऑडी सीरीज के टाइप का। एंड बाकी पीछे दो मिलते हैं पार्किंग सेंसर, इसमें थोड़ा कॉस्ट कटिंग का पार्ट है महिंद्रा को, एटलीस्ट पुश करते ही लाइक बर्न आउट मारती है। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक, वेलकम टू माय YouTube चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं XUV 400, जो है महिंद्रा की ईवी व्हीकल। सो इस वीडियो में मैं आपको सारे इसके फीचर्स, वॉक अराउंड, स्पेसिफिकेशंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सारा शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉडल जो कि टॉप मॉडल आता है, इसकी ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है 20 लाख एंड 20,000 रुपीज़। बैटरी इसमें आती है 40 kWh की एंड कंपनी जो रेंज क्लेम करती है वो है 456 किलोमीटर्स। सो बात करें फ्रंट प्रोफाइल की, सो ओवरऑल ये कार XUV 300 के चेसिस फ्रेम पे ही बनी हुई दिखती है, क्योंकि ओवरऑल आप देख सकते हैं सारा XUV 300 जैसा ही है। बात करें फ्रंट प्रोफाइल की, तो इसमें महिंद्रा का ये लोगो आता है, ये कॉपर स्टाइल में है, तो उन्होंने कॉपर की थीम रखी है, कॉपर प्लस वाइट। सो आप देख सकते हैं थीम के हिसाब से सभी चीज़ वैसी आएगी। बाकी एक्स इसमें एक्स शेप का वो है ग्रिल। बात करें हेडलैम्प्स की, तो प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स है, इसमें आपको फोक लैम्प्स नहीं मिलते। एंड फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का। नीचे दिखाओ, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो उसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको। एंड टायर मिलता है इसमें R16। सो आप ऐसे देख सकते हैं, ये सेम XUV 300 जैसा ही दिखता है। बाकी साइड प्रोफाइल पर आते हैं, तो साइड प्रोफाइल भी सेम XUV 300 जैसी है, बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर वही है, तो सारा चीज़ वैसी है। यहाँ आपको हर जगह महिंद्रा की क्रोम कॉपर बैचिंग दिखेगी। देन हैंडल देखेंगे तो इसमें हैंडल में रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है आपको, जो कि गाड़ी अनलॉक करने में काम आता है। ए पिलर जो है इसका वो ग्लॉसी ब्लैक में है, बी पिलर मैट ब्लैक में है, एंड सी पिलर भी ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश में आता है। बात करें रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर प्रोफाइल में आप देख सकते हैं आपको 3D हेडलैम्प्स मिलते हैं, और XUV 300 से थोड़ा सा इसका जो बूट है वो हल्का सा भार भी पुश कर रखा है, ताकि मस्कुलर टाइप लगे आपको। कॉपर की बैचिंग मिलेगी आपको, कॉपर का महिंद्रा का लोगो मिलेगा। रियर वाइपर मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं, और ऊपर हाई माउंट लैम्प मिलता है आपको इसमें। बाकी आपको स्पेस दिखाओ, बूट स्पेस इसमें, तो बूट स्पेस इसमें मिलता है 378 लीटर्स का, 60-40 का आपको सीट मिलता है एडजस्ट करने के लिए। चार्जर की बात करें तो ऐसा महिंद्रा बैग देती है चार्जर के लिए, ये होता है आपको चार्जर जो आप घर पे चार्ज कर सकते हैं जिससे। सो ओवरऑल ऐसा दिखता है, करते हैं रियर कैमरा आपको यहाँ मिलता है। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में भी सेम वही है, ग्लॉसी ब्लैक, सी पिलर, बी पिलर मैट ब्लैक, ए पिलर पियानो ब्लैक, और इसका चार्जिंग का सॉकेट यहाँ मिलता है। दिखता है आपको ये प्लग है, यहाँ आपका लगता है जो आप घर पे लगा सकते हैं 7 kW का चार्जर, जो कि चार्ज करता है 7 आवर्स में, कंपनी क्लेम करती है 5 आवर्स इन 30 मिनट्स में। बाकी यहाँ लगता है फास्ट चार्जिंग, जो चार्ज करता है 1 आवर इन 50 मिनट्स में, और ये आप अंदर से खोल सकते हैं। बात करें इंजन की, तो आपको इसका इंजन ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं, आपको लिड ओपनर यहाँ से मिलता है, चार्जिंग लिड ओपनर ऐसे इसके दिखते हैं वो, पियानो ब्लैक फिनिश में। एंड चाबी कुछ आपको ऐसी दिखती है जैसे महिंद्रा थार में आती है। एंड ये हो गया लॉक का बटन, बूट ओपनर एंड अनलॉक बटन, कॉपर की बैचिंग इसमें भी मिलती है। देन अगर मैं ये मिलता है आपको पुश बटन, मैं इस पुश बटन को एक बार प्रेस करता हूँ तो इग्निशन ऑन हो जाएगा, एंड ब्रेक दबा के एक और बार प्रेस करता हूँ तो गाड़ी ऑन हो जाती है। AC इसमें डायरेक्ट AC ऑन हो जाता है। मीटर कंसोल ऐसा दिखता है इसका। इंस्ट्रूमेंटेशन आपको यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर मिल जाता है, रियर वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ से मिल जाते हैं, देन आपको ऑटो लाइट के कंट्रोल्स यहाँ से मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका कुछ ऐसा दिखता है। एंड ड्राइविंग मोड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेट सपोज अगर मैं ड्राइविंग मोड दबाऊँ तो उसमें 3 मोड्स मिलते हैं, आप देखिए, फर्स्ट इज़ लाइक फास्ट मोड, सेकेंड इज़ लाइक फियरलेस मोड, एंड थर्ड इज़ लाइक फन मोड।
बाकी गाड़ी का ये है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयरबैग वार्निंग लैंप इज ऑन, गियर शिफ्टर इसका कुछ ऐसा दिखता है BMW ऑडी सीरीज के टाइप का, एंड द बेस्ट पार्ट विद दिस व्हीकल इज ये ऐसे मूव नहीं होता फॉर द चाइल्ड सेफ्टी, यहाँ पे एक शिफ्ट लॉक होता है, एयरबैग वार्निंग लैंप इज ऑन, आपको ये दबाना होगा एंड देन आप एल डी एन आर एन पार्किंग के लिए सिंपल पी, देन हेडरेस्ट है आपको यहाँ ये मिलता है, आर्मरेस्ट, बाकी सनरूफ इसकी वन टच है आप देख सकते हैं, यहाँ से सनरूफ का बटन है वन टच, सो गाइस बात करें इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में तो इसमें तीन मोड्स आते हैं, फियरलेस, फास्ट एंड फन मोड, आप फियरलेस मोड करोगे तो लाइक बहुत ही गंदा पंच मिलेगा आपको, इन अदर वर्ड्स कि मतलब बहुत ही तेज भागती है गाड़ी पुश करते ही, लाइक बर्नआउट मारती है, अगर आपको सिटी मोड सिटी में ड्राइव करना है तो उसको फन मोड पे डाल के आप ड्राइव कर सकते हो, बहुत एक फन एक्सपीरियंस आएगा इसको लिटरली ड्राइव करने में, बाकी स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी इसका बहुत अच्छा है, लाइक वन उंगली से ही इसका पूरा स्टेयरिंग लाइक इधर उधर हो जाता है मूव, बाकी ओवरऑल गाड़ी अच्छी है, लाइक SUV का है तो इसमें टायर साइज भी अच्छा है 205, तो इसमें आपको पॉट होल्स वगैरह का पता नहीं लगेगा, इजीली निकल जाएंगे गाड़ी के नीचे, बोनट के आगे भी पूरा दिखता है, प्रॉपर दिखता है मतलब, और हाई बीम का थ्रो भी लिटरली बहुत अच्छा है, लाइक बीम का थ्रो बहुत अच्छा है, सो अच्छी गाड़ी है, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ले सकते हैं, सबको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, मैंने इसका सारा कवर करा XUV400 का, आपको इसमें क्या क्या मिलता है जो कि आपको हेल्प करेगा अगर आप ये गाड़ी बाय करेंगे, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट, थैंक यू।